दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। समस्त मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस रविंद्र सिंह यादव ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय से प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। आपको बता दें, आरोप है कि शख्स ने दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल की हत्या कर दी थी और उसके शव को नाले में छुपा दिया था। 2021 में हुई इस हत्या के मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर महिला का कंकाल बरामद किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों का अफेयर चल रहा था और महिला आरोपी पर शादी का दबाव बना रहा था। आरोपी शादीशुदा था और इसी वजह से उसने महिला कांस्टेबल को जान से मार डाला। डीसीपी क्राइम ब्रांच संजय भाटिया की टीम के द्वारा स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच रविंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में इस समस्त मामले को सुलझाया गया। उस दिन ये ऑटो लेके मुखर्जी नगर से इसका गांव है अलीपुर में, चलो तुम्हारे मैं अपने घर ले चलता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और फिर वहां एक सुनसान जगह में केवल एक नाला है, खेत वेत से है, जंगल टाइप का, वहां ले जाके ऑटो को रुकवा दिया कि तुम जाओ, हम यहाँ से पैदल चल जाएंगे हमारे गांव पास। और फिर उसको वहां पे शाम हो चुकी थी, उस समय सूर्यास्त टाइप हो गया था, तो वहां पे कोई ज्यादा आबादी वगैरह नहीं थी, वहां गला घोट के वही नाले में फिर उसको लाश को डाल दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए। इसने पत्थर भी इस तरह से डाल दिए कि वो कभी बाहर निकल के ना नीचे ही हो सकती है, और जो भी होता है स्कैवेंजर एनिमल्स वगैरह थोड़ा बहुत उसको दिया होगा। जब हमारी जो इन्वेस्टिगेशन वो मैं इसलिए कह रहा हूँ काबिल तारीफ, इसलिए इनको मैं सारी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, इन्होंने बैकवर्ड चले। इन्होंने क्या किया कि जिस नंबर से वो कॉल करता था अरविंद बंग, 794 7496 तो वो इशू होता था पवन कुमार की आईडी। पवन कुमार कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, वो फेक आईडी थी, लेकिन इत्तेफाक से उस पे फोटो लगा रखी थी इसने राबिन ने, राजपाल। तो उस राजपाल जो है वो राबिन जो इसका साला है उसका दोस्त, उससे फोटो लेके उसकी फोटो लगा। तो इन्होंने बैकवर्ड इसको इन्वेस्टिगेट शुरू किया और राजपाल को पहले इंट्रोगेट। राजपाल जब उसको थोड़ा सा अच्छे से इंट्रोगेट किया, पहले तो वो भी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, जैसा जनरली होता है कि अब दो साल हो गए किसको पता ही नहीं। केस भी कैसे ट्रांसफर हुआ तो एक मिनट बता देता हूँ कि फैमिली काफी दुखी हो गई। कमिश्नर साहब को एक मोशन बाय पेश हुए, उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि वो जिंदा है, तो मतलब आए तो सही, कहाँ पे है। उन्होंने क्राइम ब्रांच को भी बोले थे उसके पास, और फिर इस टीम ने जो केस उठा, उस फोटो से राजपाल पेश हुआ। राजपाल को जब लेके आए और वो जब टूटा फाइल, उसने कहा मैंने तो रावण के कहने पर किया। फिर रावण को लेके आए, रावण को लेके आए तो फिर सारी कहानी धीरे धीरे खुल गई। रावण तो इसका ही साला राजपाल सुरेंद्र का साला है। फिर रावण ने कहा कि मैं तो इसलिए कर रहा था कि मेरे को इसने कहा कि मैं तेरी बहन को छोड़ूंगा और अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को एक रिटन स्क्रिप्ट देता था हर बार कि कागज में तुमको केवल इतना बोल कि हम ठीक है, इससे आगे कुछ मत पूछिए, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे घबराया हुआ हूँ। वो कहते हैं कि फोन तुम्हारे को हम कॉल बैक करेंगे, उससे बात करा दे। नहीं नहीं, ये तो मैं किसी और के फोन से बात कर रहा हूँ, तो मेरा फोन को ट्रेस कर लेंगे, मुझे मरवा देंगे वो, खाप पंचायत मार देंगे, जो तरह तरह की कहानी सुनाता कि जहाँ से उसको कॉल कराता था, जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट ढाबा डीगल में करा दिया, उधर कहीं मेरठ साइड में करा दिया, कभी कहीं पंजाब साइड में करा दिया, वहां पे क्या करता था जो इस उसी के कागज है, जबकि वो लड़की होती थी कोई
हायर्ड गन कॉल गन टाइप की देखो 1000 रुपए दिन के देंगे 2000 को हमारे साथ शाम को देखो आप दिल्ली। तो मतलब किसी भी तरह से इसने अपनी तरफ से परफेक्ट प्लानिंग की थी बट ही वाज नॉट मतलब वो ये था कि ना परफेक्ट प्लानिंग करो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया जाए प्रोफेशनली किया जाए तो सारी कहानी खुल के आ गई। और मैं इस पूरी टीम को बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो इन्होंने अभी मैं उनकी सिस्टर और मदर और ब्रदर से बात कर रहा था तो उनको तो बिलीव ही नहीं आ रहा कि इसने मर्डर किया। अभी तक कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक कि इतनी अच्छी लड़की थी इतनी ब्रिलियंट लड़की थी इसका कैरियर इतना ब्राइट था दिल्ली पुलिस तो उसने इसलिए छोड़ दी कि उसको हायर अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो चुकी थी यूपीएससी में भी उसकी चांस थी और इसने अपनी हवस और अपनी सब चीजों के लिए और एक न केवल एक कैरियर बर्बाद किया उनकी लाइफ को ले लिया और ऊपर से सबको गुमराह करता रहा दो साल। तो आज इसका तो वापस नहीं आ सकती लेकिन एक फैमिली के लिए क्लोजर लाने में हम हमारी टीम सफल हुई है किसी प्रकार से वो सच क्या था वो निकाल दिया। अब जो आगे इन्वेस्टिगेशन जो इम्पोर्टेंट है उसमें जो स्केलेटल रिमेन्स उसके मिले हैं वहाँ से उसका हमें डीएनए से मैच कराना है और क्योंकि उसके डिस्क्लोजर पे और उसके क्योंकि पहले ही कई दिन तक होता रहा यमुना में वो उस दिन से हमारी टीम यमुना किनारे जितने पुलिस स्टेशन थे चाहे बदरपुर से लेकर नीचे फरीदाबाद और आगे यूपी तक के खंगालती रही हमारी इस डिस्क्रिप्शन की कोई उन दिनों में तो 8 सितंबर से दो तीन दिन कोई बॉडी में। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से अफसा खान की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा इंडियन स्वच्छता सीजन 2 का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वयंसेवी सफाई अभियान साथ ही 17 सितंबर को स्वच्छता रैली के साथ नुक्कड़ नाटक और प्लग का कार्यक्रम 18 से 25 सितंबर को सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य की जांच 1 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता दिवस और 2 अक्टूबर को SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ पर्यावरण मित्र के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। नगरपालिका परिषद मसूरी।